संगवारी मन ला जय जोहार। आज ले हमर क्लास स्टार्ट हो गए है, यानी कि 13 मई से एडीओ के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। हम अनावन ला पढ़ाबो पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाने वाला प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। पंचायती राज व्यवस्था के PDF हमन पढ़ाबो 50 क्वेश्चन, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2012-2017 में आए हुए प्रश्न हरे। तो एक बार अपन मन देख लूँ कि कैसे टाइप के आते हैं ना। तो चल हमन आज स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करी होगा, वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करो है ना, तो लाइक जरूर करी होगा। तेकर नाम से हमन अच्छा सी वीडियो और बनाए कोशिश करबो। अगर जितना ज़्यादा लाइक आई उतना ज़्यादा हमन मतलब खुशी होई कि लइका मन वीडियो ला देखते और लाइक करते की के है ना। चल तो हमन वीडियो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न ला। तो हमार पहली प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के। देखिए प्रश्न ला स्टार्ट करे से पहले हमन बता देना चाहते हैं कि हमार क्लास यानी कि हमार YouTube चैनल पर एडियो की क्लास कराए जाते शाम 5 बजे और सुबह 6 बजे के। और छात्रावास अधीक्षक के भी तैयारी कराई जाही, वो भी 15 मई से स्टार्ट हो जाही शाम 5 बजे से है नहीं। तो क्लास मतलब पूरा देखू संगवारी हो। चल हमार क्लास स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, हमारे आज के पहली प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है ना। तो चलो अब अगला प्रश्न देखथन। हमारा अगला प्रश्न है सेकंड वाला, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो कौन से भाग में है जी, संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के वर्णन है। और कौन सा अनुच्छेद में, 40 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 40 में है वर्णन संविधान के है ना। चले अब अगला प्रश्न देखते हैं हम ना पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए तीसरा प्रश्न काय कहा थे, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, मतलब पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो कौन पर आधारित है। तो कौन पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पूछा थे ना। ये दे पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, तो कौन पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। जल्दी जल्दी क्लास ले स्टार्ट करते हैं भैया हो, जल्दी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराबो, 50 क्वेश्चन है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब पूछा गया है कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो क्या आ जाएगा, जनता का प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अब हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती समिति किस पर गठित है। तो पंचायती समिति किस पर गठित है, ब्लॉक स्तर पर गठित है ना, ब्लॉक स्तर पर गठित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है ना। किसके अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए अब ऐसे कौन सा पंचायती राज संस्था है जिनमें संवैधानिक दर्जा दिए गए। तो हमन जानथन देखन कि यहाँ पर हमन जानथन कौन सा संशोधन है, 73वां संशोधन, कौन सा, 73वां संशोधन है ना। तो 73वां संशोधन आ जाए, कौन सा आ जाए, 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन की कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई है। तो 73वें संविधान संशोधन को कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में।
पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है या कौन उत्तरदायी है, यह प्रश्न में पूछा है। तो कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। अब देखिए इसके बाद देखेंगे भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ये, 2017 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ, याद रखना डेट, हमेशा याद रखना कौन सा, 25 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। कमेंट में बताइएगा भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। वीडियो को शेयर से वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए व लाइक कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा लाइक आएगा हम पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग वीडियो को देखते हो लाइक नहीं करते हो तो क्या मतलब, मज़ा नहीं आएगा ना, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी, तो हम आपको पता है ना, नागौर जिला के राजस्थान में, पिछले वीडियो में आप लोग को कराया था, है ना। तो मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिला के राजस्थान में कौन से सन में, 1959 में। चलिए अगला प्रश्न है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो कब आरंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था, है ना। कब आरंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ किया गया था। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की गई। तो किसकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति पर। किसकी समिति पर, बलवंत राय मेहता समिति पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर पंचायत से पढ़ेंगे, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्राम पंचायत, है ना। अगला है, पंचायती राज संस्थाएं निधि, पंचायती राज संस्थाएं निधि है तो किस पर निर्भर है, सरकारी अनुदान पर निर्भर है। आज हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह पहला पाठ है, पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाने का पहला पाठ है। कल आपको पार्ट टू वीडियो मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पर जाएं और वहां कमेंट कीजिए कि आपको किस पर तैयारी करना है, आपको ADO पर तैयारी करना है या छात्रावास अधीक्षक पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर जाएं, वहाँ पर आपको दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन से और किसकी तैयारी करना है, है ना। आप वहाँ पर परसेंट हिसाब से आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। तो किस सिफारिश पर प्रारंभ किया गया है, KM मुंशी समिति पर। कौन से समिति पर, KM मुंशी समिति, KM मुंशी समिति, KM मुंशी समिति, है ना। अब देखिए यहाँ पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है।
तो ग्राम पंचायत के जो भी आय का स्रोत होता है मेला व बाजार से होता है। किस पंचायती राज में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो किसमें नहीं है, किसमें नहीं है जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा किसमें नहीं है। ग्राम स्तर किसमें कमी नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में। किसमें नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में। पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है, आप सभी को पता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है ना। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही है ना। पंचायती राज व्यवस्था से इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, कल पार्ट टू वीडियो में पूरा आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद संगवारी।